नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने। कोरोना टीकाकरण के दौरान लापरवाही आई सामने, टीकाकरण के लिए केंद्र पर उमड़ी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई है, केंद्र पर कई लोग बिना मास्क के देखे गए हैं। विभाग के कर्मचारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया, सीएचसी कई टीकाकरण केंद्रों पर उमड़ी भीड़। लगातार इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको अमरोहा से बता रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। आपको बता दें कि कोरोना टीकाकरण के दौरान ये बड़ी लापरवाही सामने आई है, टीकाकरण के लिए केंद्र पर लोगों की भीड़ उमड़ी। आपको बता दें कि जो लोग टीकाकरण केंद्र पर मौजूद थे वो न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते पाए गए और ना ही वो लोग मास्क के दिखे। तो ये बड़ी लापरवाही सामने आ रही है विभाग की तरफ से। विभाग के कर्मचारियों का इस ओर कोई ध्यान भी नहीं गया। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ में मुख्तार अंसारी के गुर्गों पर एफआईआर, स्थानीय पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं की। केंद्रीय मंत्री की कॉल के बाद पुलिस कमिश्नर ने दिए निर्देश, हजरतगंज पुलिस को केस दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। प्रोडक्शन हाउस के मालिक की शिकायत पर 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। आपको बता दें मुख्तार अंसारी के गुर्गों पर मारपीट, धमकी और लूट के कई आरोप लगे हैं। वहीं हलवासिया मार्केट के पीड़ित को भी देखा गया। तो लगातार बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां पर लखनऊ में मुख्तार अंसारी के गुर्गों पर एफआईआर। बता दें स्थानीय पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं की। इसी बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर लखनऊ से, जुलाई में रोजाना 25 लाख डोज लगाने की तैयारी। मुख्य सचिव का सभी जिलों के डीएम को निर्देश, वैक्सीनेशन को लेकर कार्य योजना बनाने के निर्देश। जून माह में 1 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य है। इस समय 4 लाख वैक्सीन रोजाना लग रही है। तो लगातार इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर जुलाई में रोजाना 25 लाख डोज लगाने की तैयारी की गई है। आपको बता दें मुख्य सचिव का सभी जिलों के डीएम को निर्देश है कि वैक्सीनेशन को लेकर कार्य योजना बनाई जाए। जून माह में 1 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आपको बता दें इस समय 4 लाख वैक्सीन लोगों को रोजाना लग रही है। वहीं बड़ी खबर यूपी से, आज टीम 9 की मीटिंग में हुआ फैसला। यूपी के सभी जिलों में कोरोना कर्फ्यू खत्म, सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको यूपी से बता रहे हैं, जांच टीम 9 की मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि यूपी के सभी जिलों में कोरोना कर्फ्यू खत्म हो गया है, सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, प्रशासनिक पदों से डॉक्टरों को हटाने का विरोध। सीएम के फैसले का पीएमएस संघ ने किया विरोध, प्रशासनिक कार्य में एमबीए धारकों की तैनाती का विरोध किया गया। संघ ने सीएम योगी को पत्र भेजा है। मरीज की सेवा को डॉक्टर चाहिए, प्रबंधक नहीं, तो पीएमएस का ये कहना है। आपको बता दें सीएम के फैसले पर कार्यकारिणी की बैठक भी होगी। तो लगातार इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रशासनिक पदों से डॉक्टरों को हटाने का विरोध किया जा रहा है। सीएम के फैसले का पीएमएस संघ ने विरोध किया है। आपको बता दें प्रशासनिक कार्य में एमबीए धारकों की तैनाती का विरोध किया गया है। इसी में संघ ने सीएम योगी को एक पत्र भेजा है। पीएमएस का कहना है कि मरीज की सेवा को डॉक्टर चाहिए, प्रबंधक नहीं। वही सीएम के फैसले पर कार्यकारिणी की बैठक भी होगी। बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है।
विधान परिषद में बढ़ जाएगी भाजपा की ताकत। परिषद में 5 जुलाई को 4 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। पदों पर भाजपा के सदस्यों का मानदेय तय। बड़ी खबर आपको बता रहे हूं, सदन में भाजपा की सदस्य संख्या 32 से बढ़कर 36 हो जाएगी। मानने के बाद सदन में सपा की सदस्य संख्या घटकर 40 तक पहुंच जाएगी। तो बड़ी खबर लगातार आपको हम लखनऊ से बता रहे हैं, जहां विधान परिषद में बढ़ जाएगी भाजपा की ताकत। जहां परिषद में 5 जुलाई को 4 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। पदों पर भाजपा के सदस्यों का मानोनीत है। वही बड़ी खबर, अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश यादव लगवाएंगे टीका, भारत सरकार का टीका हम भी लगवाएंगे। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर ये कहा है कि भारत सरकार का टीका लगवाएंगे। तो ये बड़ा बयान सामने आ रहा है अखिलेश यादव का। आपको बता दें, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि अब वो सरकार का टीका लगवाएंगे। जी हां, भारत सरकार का टीका हम भी लगवाएंगे। इस तरह का बयान अखिलेश यादव ने ट्वीट करके दिया है। तो लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ये कहा है कि अब वो भाजपा सरकार का टीका लगवाएंगे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो मनीष जी जुड़ चुके हैं। तो उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ, मनीष जी क्या कुछ कहना आपका, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ये कहा है कि अब वो भी भारत सरकार का टीका लगवाएंगे। कल सपा सदस्य मुलायम सिंह यादव ने विधानसभा गुरुग्राम में कोरोना वैक्सीन लगवाई थी, उसके बाद उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी। तो जो बीजेपी की तरफ से स्वतंत्र सिंह हो, तमाम मंत्रियों ने उनकी फोटो के साथ ट्रोल किया था कि अखिलेश यादव जो उनके बेटे हैं, सपा प्रमुख हैं, वो एक तरफ विरोध कर रहे हैं, वही सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने टीका लगाया है, उनको अपने पिता से कुछ सीख लेनी चाहिए। उसके बाद आज अखिलेश यादव ने सुबह ट्वीट करके जानकारी दी कि जन आक्रोश को देखते हुए आखिरकार सरकार ने कोरोना के टीके से राजनीतिकरण की जगह ये घोषणा की कि ये वो टीके लगवाएगी। हम भाजपा के टीके के खिलाफ है, पर भारत सरकार के टीके का स्वागत करते हुए हम भी टीका लगवाएंगे। और टीके की कभी कमी से जो लोग लगवा नहीं सके थे, उनसे भी लगवाने की अपील करते हैं। तो ये उन्होंने पूरा बताया है, ये जानकारी उन्होंने अपने एक ट्वीट के माध्यम से दी है कि अब वो भी भारत सरकार का टीका लगवाएंगे। बीजेपी के टीके से उनको अभी भी परहेज है। जी प्रिया जी, क्योंकि लगातार वैक्सीनेशन पे कहीं ना कहीं बड़ी राजनीति देखी जा रही थी। विरोधी पक्ष जितने भी थे वो वैक्सीन को लेकर लगातार बयानबाजी करते जा रहे थे। वहीं जो अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। निश्चित तौर से पहले जिस टीके को लेकर राजनीतिकरण हो रहा था, पहले टीके हो रहा था कि टीके बाहर भेजे गए हैं, भारत में टीके पहले लगने चाहिए थे, उसके बाद विदेशों में नहीं भेजने चाहिए थे, फिर विदेशों से आने पर, तो लगातार टीके की कमी को लेके, टीके के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को लेके काफी सवाल किए गए थे, विपक्ष लगातार हावी था। उसके बाद एक मौका जब मिलता है, जब अखिलेश यादव बहुत पहले से टीके का विरोध भी कर रहे थे कि ये बीजेपी का टीका है, इसको हम नहीं लगवाएंगे, ऐसे तरह के ट्वीट भी आ रहे थे। उसके बाद जब सपा संरक्षक का एक ट्वीट वायरल होता है टीका लगवाते हुए, उसके बाद से लगातार अखिलेश यादव ट्रोल हो रहे थे, न केवल बीजेपी के मंत्रियों के द्वारा, बल्कि पार्टी के जो नेता हैं, जो अध्यक्ष हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी ये ट्वीट किया था कि अब उनको अपने बेटे से सबक सीखना, अपने पिता से सीखना चाहिए। मनीष जी, आपको जी जी
बिल्कुल मनीष जी, आपको रोकना चाहेंगे। इसी बीच हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं सपा एमएलसी सुनील साजन। तो सुनील जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कहना है आपका, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है कि अब वो भी भारत सरकार का टीका लगवाएंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी पहले दिन से इस बात को कह रही है कि सरकार पूरे देश में मुफ्त टीकाकरण करे, और अगर उन्होंने ये बात भी कही थी कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार नहीं करती है तो 22 में सरकार में आने के बाद हम उत्तर प्रदेश के एक एक व्यक्ति का मुफ्त में टीकाकरण समाजवादी सरकार कराएगी। जहां तक सवाल टीकाकरण का है, तो समाजवादी पार्टी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने, कभी भी भारत के टीके पर कोई टिप्पणी नहीं की। हमेशा कहा कि हमें वैज्ञानिकों का धन्यवाद, जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, उनका आभार व्यक्त किया समाजवादी पार्टी ने। टीके को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी की नीति थी, जो राजनीति थी, उसके खिलाफ थे, भाजपा के प्रचार के खिलाफ थे, वो आज भी हैं। लेकिन भारत के टीके के खिलाफ समाजवादी पार्टी कभी नहीं रही। आदरणीय नेताजी ने कल टीका लगवाया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज स्पष्ट किया है कि हम भी टीका लगवाएंगे, और समाजवादी पार्टी चाहती है कि पूरे देश मैं जब टीका लग जाएगा तभी हम कोरोना से जीत सकते हैं। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अखिलेश यादव ने ट्वीट करके एक बड़ा बयान दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अब वो भी भारत सरकार का टीका लगवाएंगे। तो ट्वीट करके ये बड़ा बयान अखिलेश यादव ने दिया है। तो लगातार बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से। बीच हरदोई से बड़ी खबर सामने आ रही है, खेत में पेड़ से लटकता मिला शव, पेड़ पर फांसी के फंदे से लटकता मिला शव। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। पाली थाना क्षेत्र के नगला भैसी गांव का है युवक। तो बड़ी खबर हरदोई से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पेड़ पर फांसी के फंदे से एक युवक का शव लटकता मिला है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने इस पूरे घटना की जानकारी पुलिस को दी। वहीं पाली थाना क्षेत्र के नगला भैसी गांव का रहने वाला युवक है। तो बड़ी खबर हरदोई से है, जहां पर पेड़ पर फांसी के फंदे से युवक का शव लटकता मिला है। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस को दी है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आपका ही मजा आएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी।